नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार स्टेट एजेंट सिम्युलेटर इस गेम के नए एपिसोड में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वाले एपिसोड में हमने यहाँ पर हमारे फार्म के लिए एक हॉर्स खरीदा था, और यहाँ पर देखो भाई, पिछली बार वही गलती हो चुकी थी और अभी भी वही गलती हो चुकी है। एक मिनट रुको, मेरे को इसको ट्रैश करना पड़ेगा। फिलहाल इसको ट्रैश जल्दी जल्दी कर दिया यार। यहाँ पर ना मैंने शायद से यार मैंने यहाँ पर सीड्स बोई भी नहीं थी, तो फिर से कैसे आ गई है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल यहाँ पर ना मेरे को, ओ भाई इसको क्यों निकाला मैंने, एक मिनट को यहाँ पर रखते मैं नए सीड्स का जो है ना ये अनलॉक करने वाला हूँ, लेकिन भाई इसको बाद में अनलॉक करेंगे क्योंकि इसके लिए एक्सपी थोड़ी मेरे पास कम है। या फिर मैं अगर नहीं यार एक्सपी में काम करता दोस्तों, मैं ज़्यादा ही एक्सपी कमाने के बाद ही हम सारे का अनलॉक करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज की इस एपिसोड में पहले एक मिनट को मैं इसको ना अंदर छोड़ के आता हूँ। भाई और एक खास था ना यार हमारे पास, वो कहाँ पर गया? चल भाई अंदर चल। ऑलराइट यहाँ पर आ जा। ओके ओके, हॉर्स हमारा है और एक हॉर्स है हमारा, और इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूँ। ऑलराइट तू इधर बैठा रहे भाई, मैं चलता हूँ बाहर के साइड पर और देखते हैं कि आज कुछ अलग तूफानी करते हैं फिर। ओके ये दरवाज़ा बंद हो चुका है ना। ऑलराइट यहाँ पर एक दे, एक को पहले कलेक्ट कर लो मिल्क, और एक मेरे को पहले कलेक्ट करना है। मैं बात कर रहा था कि आज के इस एपिसोड में स्पेशल क्या आज हम करने वाले। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले वाले एपिसोड में हमने यहाँ पर ना पिछले वाले दो तीन एपिसोड में हमने यहाँ पर ना एक दो साइड खरीद ली थी, उसके यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट किया था। तो उस साइड से मेरे को थोड़े बहुत तो उस साइड पर हमारा घर जो है ना भाई बन के रेडी हो चुका है, और उस घर को आज हम सेल आउट करने वाले। पहले यहाँ पर एक भाई ये ट्रैश करना पड़ रहा है, ये देख रहे हो यार, ये मुर्गियों का जो है ना मुर्गियाँ और बकरे दोनों भी ना दोस्तों कुछ टाइम के बाद इनको ना ये जो है ना मर जाते हैं, तो उनको मेरे को ट्रैश करना पड़ता है भाई। ये थोड़ा लफड़ा है यार, इसके अंदर मेरे को पैसे कितने मिलते एक बार देखना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर समझो कि एक मुर्गे से मेरे को $500 के ऊपर मिल रहा है तो ही बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि मैंने शायद से ये $500 की एक मुर्गियाँ खरीद ली थी। ओके यहाँ पर बचा हुआ है, मैंने शायद से $500 की एक मुर्गियाँ खरीद ली थी, तो मेरे को देखना पड़ेगा यार, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये थोड़ा महंगा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाई पैसा आ तो कम, एक मिनट को पहले ना एक वगैरह बेच के आता हूँ, पैसा आ कम रहा है और ज़्यादा जा रहा है, ऐसा ना हो जाए भाई। तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू सेल आइटम, ओके ये ले ले भाई, सेल आउट कर लें $1200 या ये $2000, ओके ऑलराइट। तो चलो दोस्तों अभी ना चलते हम ना हमारे एजेंट स्टेट एजेंट ऑफिस पर। भाई यार कितने दिनों के बाद ये गेम खेल रहा हूँ, तो मेरे को थोड़े बहुत नाम पता नहीं, और यार कई लोगों ने रेंट नहीं पे किया है, ये थोड़ा लपड़े का काम है दोस्तों। मेरे को जाकर ना उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अगर मेरे को केस करने की ज़रूरत पड़ी तो मेरे को आज केस करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने पिछले वाले एपिसोड में और मैं खाली बैठकर थोड़ा बहुत खेल रहा था ना, तभी भी मैंने दो तीन लोगों को तो ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने उनको माफ़ कर दिया था, मतलब कि दूसरे दिन दे दो ऐसा करके मैं उनको बोल रहा था, लेकिन भाई अभी देखते हैं। ओके इसने तो सारा कुछ लेके आया, ओके ऑलराइट मेरे को एक बार चेक करना है कि यहाँ पर, एक मिनट रुको दोस्तों, मेल कुछ आया है, कार इज न्यू अवेलेबल, यार मैं कार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन भाई दोस्तों मेरे को बाद में देखेंगे यार दोस्तों, मेरे को ये कार बेसिकली नहीं चाहिए, मतलब ये कार तो कलेक्शन में ऐड करने वालों, ये जो ये कार है ना रेड वाले तो हमारे पास है ये, और ये सारी कार जो यहाँ पर आ रहे हैं ना वो सारी कार हम खरीद कर रखने वाले हैं हमारे कलेक्शन के लिए। लेकिन भाई मेरे को चाहिए वो अंकल की कार जो कि कसिनो के बाहर खड़ी, भाई वो अगर कार मिल जाएगी ना तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल दोस्तों एक मिनट रुको, यहाँ पर इसका क्या मैटर है, शायद से ये रेंट दे रहा होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि दोस्तों इससे रेंट लेना है। ओके ये रेंट दे रहा भाई, ऑलराइट तो ये कल शायद से रेंट नहीं दिया इसने, तो आज रेंट ही दे रहा है, कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन रेंट दिया करो यार, रेंट दिया करो। ऑलराइट ये वाला घर भाई, ये वाला घर तो मैंने बेचा था ना यार दोस्तों, वो रेंट पर निकाल चुकी है मैडम ने, एक मिनट रुको मैं यार नहीं यार
हियर इज द रेंट, ओके रेंट दे रहा भाई, ओके ऑल राइट। तो पहले ना मैं चेक करता हूँ कि कौन से करते, ये घर है हमारा, पहले इसको ना हम एक मिनट रुको, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ओके 2300 ऑल राइट। तो मैं एक बार टैब निकालता हूँ, पर एक मिनट रुको, इस घर का 20 नंबर है ना, एक मिनट रुको, मेरे को कुछ मेल आया या फिर मेल तो मैंने, ओके कार तो देखी है ना भाई, एक मिनट रुको, वेब में जाते हैं 20 यार याद रखना है, 20 नंबर है हाउस का, तो वेब में चलते हैं 20 नंबर का हाउस, ओके ये रहा। तो इसको मैं रेंट और ऑन सेल और रेंट पर की ऑन सेल और रेंट पर भी दे सकता हूँ, तो एक काम करते सेल पर लगा देते दोस्तों, तो इसको मैं डाल देता हूँ, मैंने शायद से 2 लाख के आसपास इसके ऊपर खर्चा किया, तो 4,50,000 एक्सपेंसिव ओके 3,50,000 ओके ये बराबर जा रहा है, 3,50,000 डाल देते दोस्तों, और नेक्स्ट वाला घर जाकर चेक करते उसका भी कितना पैसा हमें मिलने वाला है। ऑल राइट तो यहाँ पर इसको भगा कर ले कर चलते, यहाँ पर कहीं पर तो मैंने यार शायद से और एक घर खरीदा था, लेकिन देखते रुको एक मिनट, ये भी मैडम जी रेंट दे रही है, तो आज यार ये एक मिनट रुको, इससे फिर से बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसने कल भी रेंट नहीं दिया और आज भी रेंट नहीं दे रही, तो एब्सोल्युटली यू पे विल, ओके नहीं तो मैं इसके ऊपर केस करने वाला, आई विल सू यू यार, क्या यार केस को क्या बोलते हैं, आई विल सू यू, बीट अप एंड टेक द मनी, ओके बीट अप एंड टेक द मनी, इज दैट यू आस्क फॉर इट, ओ भाई ये क्या चल रहा है, जेड और एक्स से किक, ओके जंप से जंप स्पेस से जंप लगाता है और सी से डिफेंस, ऑल राइट right. मैडम जी है कहाँ पर, ये क्या यार, यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ओके ओके ऑल राइट, गिरी 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 दोस्तों गिरी, एक मिनट को फिर से एक बार चेक करता, भिशुम ओके इसकी हेल्थ जा चुकी, थोड़ी बहुत हेल्थ जा चुकी मेरे से, मेरी थोड़ी ही हेल्थ जा चुकी, लेकिन इसकी भाई ये क्या है यार, ये गेम कौन सी खेल रहा मैं दोस्तों, ओके 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 गई 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 भाई साहब गई, ऑल राइट ट्रेंड भी हमें वसूल हो चुका है यार, ये गेम क्या ही बोले यार, ये बॉक्सिंग की गेम जैसी लग रही, कोई बात नहीं, ये बॉक्सिंग फाइट तो कम्प्लीट हो चुकी है। हे टेंट वॉज हॉस्पिटल बट द टेंट कैन सू यू, यू गॉट द मनी फॉर द अनपेड रेंट, यू मेड द दिस मच मनी, ओके यार शायद से इसने मेरे ऊपर केस किया है, मेरे को जाकर देखना पड़ेगा दोस्तों, और मैंने और एक घर शायद से यही है, एक मिनट रुको यही शायद से इसको देख लेता हूँ मैं, 36 नंबर का, ओके 36 नंबर का ये, तो इसको भी हम यहाँ पर बेचने के लिए लगाने वाले, 36 नंबर 36 ये रहा, ओके ऑन सेल ये है, तो 3,50,000 इसका भी 3,50,000, एक काम करता मैंने इसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेता, 3,17,000 ऑल राइट, थोड़ा एक्सपेंसिव बता रहा है लेकिन लगा लेते भाई साहब, देखते कि मिलता है कि नहीं यार, ऑल राइट तो चलो हमारी कार लेकर चलते हैं हम हमारे क्या यार वकील के पास, क्योंकि वहाँ पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि मेरे ऊपर केस कर रही है या फिर नहीं मैडम जी, एक मिनट को वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, तो दे नो वन कैन, ओके कोई भी केस नहीं, चलो दोस्तों कोई बात नहीं, चलो चलो झट से चलते हैं हम हमारे क्या बोलते हो स्टेट एजेंट शॉप भाई ऑफिस पर, ऑफिस शॉप नहीं भाई ऑफिस, एक मिनट होगा मैंने एक बार ना यहाँ पर से होकर आता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ओके 42 ये भाई यहाँ पर कुछ तो सेल आउट के लिए आ रहा था ना, एक मिनट होगा मैंने घर खरीदा है या फिर, एक मिनट होगा नहीं ये घर हमने खरीदा नहीं, तो भाई खरीदना पड़ेगा यार बड़ा वाला घर है खरीदना पड़ेगा, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं गाड़ी चाहता हूँ कौन सी, ये रही दोस्ती ये मेरे को गाड़ी चाहिए बेसिकली, एक मिनट रुको ये कार लेने से पहले ना मैं इस कार में थोड़ा बहुत फ्यूल भरवा लेता हूँ, ऑल राइट फ्यूल फुल भरवा दे भाई, $96 ले ले लेकिन फुल भरा दे,
ओके ये कंप्लीट भर चुका है, तो मेरे को चाहिए दोस्ती ये वाली कार। मस्टैंग देख रहे हो भाई कैसी से दिख रही भाई, ये कार मेरे को चाहिए। टॉक टू कैसीनो होना भाई, ये हमारा अंकल है लेकिन नहीं दे रहा भाई, मेरे पास पैसे नहीं बता रहा है, लेकिन अभी देखते रुको। मेरे को आराम से यार $3.5 लाख तो मिलने वाले हैं। $3.5 लाख मतलब कि $7 लाख, $7 लाख और $4 लाख मतलब कि $11 लाख तो मेरे पास आराम से हो जाएंगे। तो देखते हैं कि हमें ये कार मिलती है फिर नहीं, तो अभी फिलहाल चलते सोने के लिए। और यहाँ पर ऑफिस पर बहुत सारे बंदे आ चुके होंगे। ओके जा रहे बंदे, आकर जा रहे भाई साहब। चलो दोस्तों यहाँ पर आज की रात पर हम फार्म पर नहीं सोने वाले, फार्म हाउस पर। अभी हम हमारे घर पर सो जाते भाई, कितने दिनों के बाद हम घर पर सोने को आ चुके। तो चलो दोस्तों गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नया दिन हो चुका है और अभी हमारे पास $4,16,000 है। तो फिलहाल चलते हैं और हमारा भाई रेंट भी थोड़ा बहुत वसूल हो चुका होगा। और भाई एक मिनट भाई, यार ये कार ना बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है यार, मेरे को नई कार लेनी पड़ेगी, नई कार जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी जिससे कि मेरा सर दर्द थोड़ा कम हो जाए। और यहाँ पर कस्टमर भी आ चुके मेटल यहाँ पर। ओके ऑल राइट, कार को निकालता हूँ, रुको एक मिनट सर जी। ओके बस आराम से भाई सर। ओके दो नए कस्टमर आए, तो मैडम जी आपको कितना चाहिए भाई? हाँ यार $4 लाख में जाता ना तो बढ़िया रहता, लेकिन कोई बात नहीं, बज दिस इज ओवर माय बजट बट आई एक्सेप्ट। ओ भाई ये घर बिक चुका है भाई, पहला घर बिक चुका है, दूसरा घर देखते भाई। सॉरी हाउ कैन आई हेल्प यू? ओके तू थक चुकी है क्या मैडम? बहुत दिन से राह देख रही थी यार। मैंने $3,17,000 का रिजेक्ट, यार रिजेक्ट दोस्तों, ये थोड़ी घटिया है मैडम जी। ओके और एक बुढ़िया आ चुकी है, मैडम जी आपको, आप ले लोगे, मेरे को मालूम है आप ले लोगे मैडम जी, ले लो जल्दी ले लो। $3,50,000, $3 लाख नहीं यार, एक मिनट रुको मैं आपको ना थोड़ा सा ही डिस्काउंट दूंगा, $3,50,000 मतलब कि कुछ भी नहीं डिस्काउंट दूंगा मैं। नहीं यार उसे ये मान नहीं रहे, एक काम करते इसको रिजेक्ट कर लेता भाई। अरे यार मेरे को पैसा चाहिए मैडम जी, ज़्यादा कुछ नहीं यार, मेरे को $10 लाख के आसपास कमाना है, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे को वो अंकल की कार लेने को आती है फिर नहीं भाई, वो मेरे को कार चाहिए बेसिकली। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, $8 लाख अभी हमारे पास हो चुके। तो फिलहाल हैंडसम, यस यस मैं हैंडसम ही हूँ। $3,50,000 मैडम जी, नहीं रिजेक्ट, डायरेक्टली रिजेक्ट करूँगा दोस्तों मैं, $3,50,000 में ही बेचेंगे दोस्तों। ओके नहीं मैडम जी आ चुकी है। ओके मैडम जी आप तो ले लोगे ना? ओके आर यू सीरियस? दिस इज रियली चीप, थैंक्स। ओके लेके जाए भाई, चीप बता रहे मैडम जी ये। ओके ऑल राइट दोस्तों, तो $11 लाख हमारे पास अभी हो चुके। तो दोस्तों अभी ये तो हमारा घर तो बेच कर हो चुका है, फिलहाल एक बार देख लेता हूँ कि कार, यार एक कार कलेक्शन में एक नई कार ऐड कर लूँगा दोस्तों, एक मिनट हो गया, मैं इसको ना घर पर पार्क करके आता हूँ और एक कार कलेक्शन में कार ऐड कर लेते दोस्तों आज के दिन में, क्योंकि तो मेरे को वो अंकल की कार भी चाहिए। लेकिन भाई हमें ना थोड़ा बहुत यहाँ पर ना थोड़ा बहुत पैसा और ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि $20 लाख, अभी $11 लाख, $20 लाख होने के बाद ही हम अंकल के पास जाकर आएंगे, क्योंकि भाई अभी मेरे को फिर से बेइज्जती नहीं करनी है। और ये क्या दिखा रहा है यार, मैंने तो सारे सारे रेंट वसूल कर लिए थे लेकिन कुछ अलग दिखा रहा है, एक मिनट मेरे को जाकर देखना पड़ेगा। हाँ दोस्तों ये वाली कार बढ़िया लगती है क्या? ओके एक मिनट रुको, इसका नाम क्या देखता हूँ। वॉक्सवैगन कुछ तो है, अलग नाम दिया है लेकिन वॉक्सवैगन है। और इसका WWMK। ओके यार ये तो बढ़िया नहीं लग रही दोस्तों, कुछ काम की नहीं लग रही। लेकिन यार रुको दोस्तों, और एक दिन रुक जाते क्योंकि तो ओके और एक दिन रुकने के बाद मेरे को नई कार आ जाएगी तो वो कार लेंगे। फिलहाल अभी मेरे को फिर से पैदल जाकर ना हमारी कार लेकर आना पड़ेगा। जब तक मैं पैदल जाकर कार लेकर आ रहा हूँ तब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और पास वाली बेल घंटी प्रेस कर देना, उससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और हाँ एक मिनट रुको दोस्तों, मैं एक बार चेक करता हूँ कि बैंक के मेरे पास यू आर ऑलरेडी लोन। ओके मेरे पास लोन है क्या? पेमेंट भाई इंस्टॉलमेंट मैंने पे नहीं किया है। ऑल राइट
ओके इंस्टॉलमेंट मैंने सारे सारे पे कर दिए भाई साहब। ऑल राइट दोस्तों, हमारे ऊपर से कर्ज भी हट चुका है। मैंने लोन किससे लिया था लेकिन भाई मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ तो काम था। मैं शायद से मेरे को फार्म के लिए कोई तो चीज़ रखने वाली थी, तो उसके लिए मैंने शायद से लोन लिया था। फिलहाल अभी ना मैं जाकर चेक करके आता हूँ कि ये क्या दिखा रहा है भाई साहब। होप कि मैडम जी वो केस ना कर रहे होगी, नहीं तो बैड। ओके एक मिनट को, यहाँ पर शायद से मैडम जी रेंट दे रहे हैं। एक मिनट को, रेंट दे रहे मैडम जी। ओके मैडम जी बोलो। ओके रेंट दे रहे भाई साहब, रेंट दे रहे, थैंक यू मैडम जी। ओके ऑल राइट दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़े और घर खरीद लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा बिजनेस बढ़ाना है और मेरे को यहाँ पर ना और एक वर्कर हायर करना है, तो उसके लिए तो मेरे को ज़्यादा ही। ओके एक मिनट को, थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा है तो इसको मैं बोल देता हूँ $17,000। ओके दे देगा शायद से। तो मैं बात कर रहा था कि दोस्तों मेरे को और एक मतलब वर्कर हायर करना है, और उसके साथ एक ये नहीं मान रहा भूतनी का। ऑल राइट अभी तो भाई रुक यार, मैं तेरे से घर नहीं खरीदने वाला भाई। मेरे को पिछली बार याद है दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की थी वो भी घर मेरे को नहीं दे रही थी, और ये भी भूतनी का नहीं दे रहा भाई। जा तो भाड़ में जा भाई साहब, मैं तेरा घर खरीदने वाला ही नहीं हूँ। ओके ऑल राइट दोस्तों, तो मैं बोल रहा था कि मेरे को और एक वर्कर हायर करना है जो कि हमारे रेंट ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर ले, और मेरे को यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी बाय करनी है। तो अभी एक थोड़े बहुत प्रॉपर्टी में बाय कर लेता हूँ। एक मिनट रुको, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है तो इसको बाय करते जाते हैं। ऑल राइट मैडम जी बोलो आप कितने में दे रहे हो। $18,000, तो एक काम कर लो मैडम जी, मेरे को $15,000 में दे दो, ज़्यादा नहीं कम करा मैं, $3,000 ही कम करा भाई। दे दे मैडम जी ने, दे दिया दोस्तों। तो यहाँ पर ना मैं एक काम करता हूँ, क्लीनिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि क्लीनिंग करने से दोस्तों मेरे को XP मिल जाती है, XP से हम जो है फार्मिंग स्किल वगैरह अनलॉक कर सकते। तो थोड़ी देर रुक लो दोस्तों यहाँ पर, तो जब तक मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ ना, तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और पास वाली बेल घंटी प्रेस कर देना। उससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और ना दोस्तों बहुत सारे नए नए गेम खेल रहे हैं हम हमारे चैनल पर, तो भी वीडियो हमारे चैनल पर जाकर चेक करो दोस्तों। और हाँ, जो भी मैं ये गेम प्ले कर रहा हूँ मतलब गेम खेल रहा, अगर वो गेम आपको चाहिएगी तो मेरे को कमेंट करो, या फिर कमेंट करने से अच्छा है ना दोस्तों, हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लो। टेलीग्राम के चैनल पर आपको सारे सारे गेम के लिंक आपको मिल जाएंगे बहुत ही अच्छी और अच्छी तरीके से दोस्तों, अच्छी तरीके से। और ज़्यादा कुछ मैं डिटेल में नहीं बता सकता, आप जाकर चेकआउट कर लो दोस्तों। तो यहाँ पर ये क्लीनिंग कम्प्लीट हो चुका है। ऑल राइट, तो लगे हाथ में एक काम करता हूँ, एक मिनट को मैं इसको पेंट भी कर लेता हूँ। ये रहा पेंट, ये हमने पेंट कर दिया अंदर से, अब मेरे को बाहर से भी नीला कलर लगाना है। ऑल राइट ये लगा दिया हमने नीला कलर। अभी शाम होने को आ चुके हैं तो जल्दी से अंधेरा होने से अच्छा है ना। एक मिनट को, अंधेरा हो जाएगा भाई साहब। और इसका प्राइस कितना, $2,300। घर नंबर यार 10 नंबर का हाउस है। ओके 10 नंबर का हाउस और 2000, ओके 10 नंबर का हाउस, तो यार यहाँ पर एक मिनट को, $2,300। ओके $2,300 सेंट एड भाई साहब। ओके एक तो घर हमने आज के दिन में खरीद लिया दोस्तों। ऑल राइट इसको रिवर्स लेकर चलते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पर ना बहुत सारे घर और प्रॉपर्टी मेरे को बाय करने, तो फिलहाल दोस्तों इस वाले एपिसोड को यहाँ पर एंड करने वाले। तो एंड करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और पास वाली बेल घंटी प्रेस कर देना। और दोस्तों आपका अगर पता होगा कि भाई साहब ये जो अंकल की कार है ना, इसको कैसे बाय करना है, अगर आपको पता होगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि मेरे को जानना है और मेरे को वो कार चाहिए दोस्तों। कार चाहिए मतलब कि चाहिए दोस्तों, वो कार कैसे भी करके मैं खरीदने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत पैसे जमा रहा हूँ। लेकिन और कुछ आइडिया है क्या मेरे को, कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर और एक घर हमने खरीद लिया, तो चलो दोस्तों इस वाले घर को मैं यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह करते बैठता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।